मंच पर हमारे साथ आदरणीय सद्गुण सिन्हा जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आकेर सिद्दीकी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में रहे विधायक रेहान जी, आरएलडी के हमारे पदाधिकारी अनिल दुबे जी, एसपी सिंह जी, जगदीप यादव जी, सुशील दीक्षित जी, राजकुमार मिश्रा जी, राजू गांधी, विजय सिंह जी, अनुराग भदौरिया, अभिषेक मिश्रा जी, रविदास मेहरोत्रा जी, मोहम्मद इवाद और हमारे उपस्थित सीधे वाले इमाम साहब आदरणीय फजल रहमान आजमी जी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के नेता, उपस्थित हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, उपस्थित हमारे सभी सभासद, उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि नारे बहुत लग गए, जितने लगने थे लग गए। अरे जिनके लिए नारे लगा रहे हो, जिनके कंधे पे बैठे वो खत्म हो जाएगा नीचे वाला। भाई 100 किलो के आदमी हो, 60 किलो वाले पे बैठे हो, थोड़ा नीचे हो जाओ। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। यहां कई बार आने का मौका मिला है, यहां पर हम कई बार आए हैं और ऐसे लोगों के पास भी आए हैं कि जो कभी ये समझते थे कि पार्टी को वोट नहीं मिल सकता, लेकिन ये बता रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग, और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है इस बात का कि आप सब लोग इसी जोश और उत्साह के साथ आदरणीय पूनम सिन्हा जी का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और ऐतिहासिक वोटों से जिता करके इस बार लखनऊ से भेजने का काम करेंगे। ये लखनऊ लोकसभा का चुनाव, और ये देश का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश में बदलाव लाने का चुनाव है और आज जब हम और आप मिल रहे हैं, वहीं हमें सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2014 में आए थे तो बताओ हमसे क्या क्या वादे किए थे उन्होंने। 2014 और 2019 भारतीय जनता पार्टी को 5 साल काम करने का मौका मिला है, और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के भी 2 साल हम जोड़ दें तो बताओ 7 साल का इन्हें हिसाब किताब देना है। बताओ हिसाब किताब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। और इसीलिए जब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तय किया, मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय सद्गुण सिन्हा जी ने स्वीकार किया और उन्होंने अपनी पत्नी को यहां से प्रत्याशी बना करके एक हम समाजवादियों को मौका दिया है
के लखनऊ से भी इतिहास बनाया जा सकता है। आज प्रत्याशी जरूर है और जब मैंने नाम तय किया था उस समय मैंने कहा था कि लखनऊ का चुनाव लखनऊ के काम पर हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि बताओ लखनऊ का चुनाव लखनऊ के काम पर होगा कि नहीं होगा। ये जो अंधेरा दिख रहा है रूमी दरवाजे पर, याद करो समाजवादी सरकार ने यहां पर उजाला किया था। उजाला था कि नहीं उजाला था बताओ यहां पर। और ये जो हमारी पीढ़ी के लोग खड़े हैं, इन्हें शायद सतखंडा कभी देखने को नहीं मिला होगा। हमने तो इतिहास के पन्ने पर थे और इतिहास के पन्ने में लिखा था कि यहां पर 7 मंजिल थी कभी। बताओ जितना था उसके ऊपर रोशनी से हमने 2 मंजिल बनाई थी कि नहीं बनाई थी। ये हमारे लोग बैठे होंगे, ये जो घूमने वाली चिड़िया थी ये भी टूट गई थी। ये जो घूमने वाली चिड़िया जो टावर पे दिखाई देती है ये भी टूट गई थी। इसको किसी ने ठीक कराया तो वो समाजवादी लोग थे जिन्होंने इस चिड़िया को भी ठीक करा दिया। ये इलाका, ये यहां पर एक बाउंड्री के बाद दूसरी बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री के बाद तीसरी बाउंड्री, जो हमारे पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, बाउंड्री सब बनी हुई थी। यहां पर घेरा लगा रखा था। उन सब घेरों को तोड़ करके बताओ ये शानदार जगह किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई कि नहीं बनाई। जब ये बहुत काम हो गया यहां पर, हमारे टीले वाले इमाम साहब ने कहा कि बताओ इतनी रोशनी कर दी, रोशनी हमारे यहां नहीं है। हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं, और मैंने उसी समय फैसला लिया कि पूरा इलाका रोशनी से नहा जाए तो समाजवादी सरकार में बताओ रोशनी से नहाता था कि नहीं नहाता था। वहां पर एक पुल बन रहा था, याद कीजिए वो पुल बन रहा था मस्जिद के सामने, और ये बीजेपी के लोग इसलिए बना रहे थे पुल कि झगड़ा लग जाए, क्योंकि जब पुल बनता तो दीवारें टूट जाती, जगह देनी पड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके पुल के बगल में पुल स्वीकृत कराया। और जब हमारी सरकार आई समाजवादियों की तो हमने कहा कि अगर ये पुल बनना है तो इस पुल का ट्रांसफर कर करके हम वैसा ही का वैसा पुल बना देंगे। अभी तक तो अधिकारियों के पुल बनते थे, अब अधिकारियों के ट्रांसफर होते थे। अभी तक तो अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, बताओ समाजवादी लोगों ने पुल का ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया। ये जितना काम हो सकता था समाजवादियों ने काम किया है। ये जो मेट्रो चल रही है लखनऊ में, ये देन समाजवादियों की है, किसी और ने नहीं बनाई है। ये नदी का किनारा, ये जो सुंदर बनाया रिवर फ्रंट, इसीलिए बना के कम लोग घूम सकें, लग कम से कम घूम सकें। ये कोई ना समझ आ गया चिलम वाला यहां पर भी। आखिर भाई पहचान लो कौन है, कोई आपका साथी तो नहीं है। ये रिवर फ्रंट इसलिए बनाया कि कम लोग घूम सके यहां पर। न जाने कितने लोगों ने वादा किया कि नदी हम सुंदर बना देंगे, अच्छी बना देंगे, साफ सुथरी बहेगी, लेकिन कोई नहीं कर पाया। एक एक कर करके नालों को रोकने का काम, और आपकी समाजवादी सरकार होती
तो देश में ये पहली नदी होती जो शहर के अंदर साफ सुथरी बहती, कोई नाला इसके अंदर जा नहीं सकता था। ये बीजेपी के लोगों ने जांच कराई, बताओ जांच कराई, और एक कुदाल मंत्री कुदाल लेकर के आए थे यहीं पर कुदाल लेकर के आए थे, पत्थर को तोड़ करके जांच करना चाहते थे, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। कुदाल चलाई इस पत्थर पे, कुदाल टूट गई, लेकिन आपका पत्थर नहीं हटा, उस मंत्री को वापस जाना पड़ गया। नदी जो बह रही थी, जितना काम हुआ उतना ही रह गया, उसके बाद इन्होंने काम नहीं बढ़ाया। इसी तरह बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। ये शहर लखनऊ में कभी क्रिकेट मैच नहीं हुए थे अंतर्राष्ट्रीय, कई वर्षों से कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ। सबसे शानदार स्टेडियम बना करके समाजवादी लोगों ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा करके लखनऊ का भी इतिहास बनाने का काम समाजवादियों ने किया। ये बीजेपी के लोग तो स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे लखनऊ को, ये लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे। बताओ लखनऊ के रहने वाले लोगों, कितना स्मार्ट सिटी बन गया? और अगर अखबार ध्यान से पढ़ते होगे, अगर अखबार ध्यान से पढ़ते होगे तो बताओ लखनऊ में जितने सांड और जानवर हैं, इतने किसी राजधानी में नहीं है जो सड़कों पे घूम रहे हैं। और जान चली गई लोगों की, कोई सोच सकता है कि आज के समय पर सांड से जान चली जाए किसी की? इसी शहर में न जाने कितने लोगों की जान चली गई सांड से। ये है इनका स्मार्ट सिटी। और अगर आपने डीजल पेट्रोल भरवाया होगा तो हर डीजल के एक लीटर पे इन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पर आपसे पैसा वसूला। आज तो सब कुछ इनका है, बताओ कितना कूड़ा खत्म कर दिया इन्होंने। क्या ही कूड़ा खत्म हो गया हो तो बताओ, स्वच्छ भारत के नाम पर न जाने कितना पैसा लिया। और कभी इनके भाषण सुनना, शौचालय से शुरू होकर के शौचालय पे खत्म हो जाते हैं, और जो शौचालय भी बनाए उसमें किसी शौचालय में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस शहर में समाजवादियों ने बहुत कुछ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड दे दिया, जिन्होंने एक्सप्रेसवे पे चला होगा वो जानते होंगे देश की सबसे बेहतरीन सड़क वो एक्सप्रेसवे है, वो समाजवादियों ने देने का काम किया। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया, ये बता दो हमें। हम जानना चाहते हैं पत्रकार साथियों, बताओ भारतीय जनता पार्टी का काम कौन सा है? इसलिए लखनऊ के लोगों, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, पिछला चुनाव याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी अपना काम बता रही थी, हमने नारा दिया था कि काम बोलता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने भेदभाव किया है, जब हम काम बोलता बोल रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे थे कि हम दिवाली पे कम बिजली देते हैं, रमजान पर ज्यादा बिजली देते हैं। जब हमने एक्सप्रेसवे, मेट्रो तमाम चीजें गिनाई, इन्होंने कहा कि हम शमशान नहीं बना रहे हैं, हम कब्रिस्तान की दीवार बना रहे हैं। इसलिए हम लखनऊ के लोगों से विशेष निवेदन करना चाहते हैं, और खासकर से उन लोगों से जिनकी रोजी रोटी चल रही है इन कामों से। अगर मेट्रो चली है तो 10,000 लोगों को उसमें इंजीनियरों में नौकरी मिली है। अजान हो रही है भैया, रुक गए हैं आप लोग भी तो खामोश हो जाइए।
एक मिनट, अब मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे तमाम अनीस राजा जी, आपकी शक्ल देख ली, समर्थक जान लिए, अब शांत हो जाओ थोड़े से। आपसे भी हमारा निवेदन है, एक मेट्रो चलने से 10,000 इंजीनियरों को नौकरी मिल गई, और हमें खुशी है कि हम पहली बार अजान पे नहीं रुके हैं। जब कभी समाजवादी लोगों का कार्यक्रम हुआ होगा और अगर अजान की आवाज भी मस्जिद से सुनाई दे गई तो समाजवादी ने रुकना ही, लेकिन आप लोगों को उनसे सावधान रहना है, उनसे सावधान रहना है जो आजकल कह रहे हैं कि हम भी तो पठान के बेटे हैं, हम भी तो पठान हैं। इसलिए ये चुनाव जहां काम पर हम आपसे वोट मांग रहे हैं, और हम लखनऊ के लोगों से सबसे कह रहे हैं एक एक काम की तुलना कर लेना, अगर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने काम कर करके दिखाया है। ये मेट्रो चलने केवल चलने से नहीं, लोग जो बैठ रहे हैं उनको सुविधा तो मिली है, लेकिन आप जानकारी कर लेना 10,000 इंजीनियरों को नौकरी मिली है। ये SCL जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसको अगर कोई लखनऊ में लाया है तो समाजवादी लोग लखनऊ में लेकर के आए उसको। तो काम तो बहुत गिना सकते हैं, जितने गिना।